स्वागत है आपका IBN9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों ने 5 महीने से वेतन नहीं मिलने को लेकर जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर के सामने गुहार लगाई है। सफाई कर्मियों ने आवेदन देकर मांग की है कि हम सभी कर्मचारी जिला चिकित्सालय देवास के प्रतिप्राथी सिग्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अधीनस्थ सफाई का कार्य करते हैं तथा विगत 5 माह से सभी सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा चिकित्सालय में पदस्थ अधिकारियों एवं चिकित्सा अधिकारी को की थी, किंतु 5 माह से अभी तक हमको कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों को अपने परिवार के भरण पोषण का खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं। वेतन न मिलने से सभी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आवेदन में मांग की है कि 5 साल का वेतन दिलाया जाए, अन्यथा इस आवेदन के उपरांत सभी सफाई कर्मचारी अपना कार्य बंद करेंगे। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। नगर इटावा से। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे को 4 महीना हो गया, पेमेंट नहीं मिली। कहाँ पर काम करते हैं आप? MG अस्पताल में। क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा का काम करते हैं। कितने लोग आए आपके साथ? कम से कम 40-50 जने। कितने दिनों से पेमेंट नहीं हो रहा? 4-4 महीना हुई है हमारे पेमेंट मिल जाएगा। क्या बता रहे आपके अधिकारी लोग? बोले कि 3 महीने डालेंगे, 1 हफ्ते में, बजट नहीं है हमारे पास। तो अभी आप लोग कहाँ पर पहुँचे? हम कलेक्टर ऑफिस में। आपका पूरा नाम? अंतर भाई चौहान। किचन में काम करते हैं। कहाँ पर? किचन में काम करते हैं, MG के। हाँ, खाना बनाते हैं सर। क्या समस्या है आपकी? सर, हमारे भी 5 महीने से पेमेंट नहीं आई है, और बोलने जाते हैं सर, हम लोग का तो बोलते हैं बजट नहीं आया है, इस कारण हमारी पेमेंट नहीं आई है, और हमको बड़ी परेशानी आ रही है। कितनी महिलाएं आप जो खाना बनाते हैं? 5 महिलाएं। 5ों का पेमेंट नहीं हुआ? हाँ, 5ों का पेमेंट नहीं। कितना पेमेंट मिलता है आप लोग? 7,000 मिलता है सर। तो कितने महीनों से नहीं मिला है? 5 महीने से नहीं मिला सर। आपका पूरा नाम? अनिता यादव। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।